नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि के इन पावन दिनों में आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि नौ नौ देवियों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि इस बार नवरात्रि के नौ दिनों में आप देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा कैसे करेंगे। बात करेंगे राशि के अनुसार इस बार नवरात्रि में कौन से छोटे छोटे उपाय करेंगे जिससे आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है और नवरात्रि में अगर इस मंत्र का नियमित रूप से सुबह शाम जप किया जाए तो आप किसी भी तरह की अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। और नवरात्रि के अलावा भी अगर आप इस मंत्र का जप लंबे समय तक करें, किसी भी प्रकार की अशुभता से सुरक्षित रहेंगे। और इस मंत्र का जप करने से जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के नौ दिनों की, नौ स्वरूपों की और नौ स्वरूपों के महिमा की। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के नौ दिनों की महिमा क्या है। देखिए, नवरात्रि के जो नौ दिन होते हैं ये पूजा उपासना और साधना के सर्वोत्तम दिन हैं। चाहे वो चैत्र की नवरात्रि हो या वो आश्विन की नवरात्रि हो, तो नवरात्रि के नौ दिनों को अगर आप समझें, नौ स्वरूपों को अगर आप समझें और उस दिन की शक्ति को समझ करके अगर उसके अनुसार आप प्रार्थना करें, कामना करें, तो आपकी कामना और प्रार्थना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। आपको हर दिन का महत्व समझना होगा, हर दिन के देवी की महिमा समझनी होगी और देवी की महिमा और शक्ति के स्वरूप को समझ करके अगर आप प्रार्थना और साधना करते हैं तो आपकी कामना पूरी होगी। नवदुर्गा की नवरात्रि में उपासना के अलावा नवग्रहों से संबंधित अगर समस्या है तो नवग्रहों से संबंधित समस्या भी इन दिनों में दूर की जा सकती है। यानी इन नौ दिनों में नौ देवियों की पूजा तो आप करेंगे ही, इसके अलावा इन नौ दिनों में आप नव ग्रहों की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। इस बार नवरात्रि 3 अक्टूबर को आरंभ हुई है और इसका समापन 11 अक्टूबर को हो रहा है। इस बार नवरात्रि 9 दिनों की तो जरूर है लेकिन तृतीया तिथि 2 दिन पड़ेगी।
यानी देवी के तीसरे स्वरूप की उपासना 2 दिन तक होगी और अष्टमी और नवमी एक साथ होगी। ये इस बार के नवरात्रि की विशेषता है कि देवी के तीसरे स्वरूप की उपासना 2 दिन होगी और 8वें और 9वें स्वरूप की उपासना अंतिम दिन यानी 11 अक्टूबर को एक साथ की जाएगी। अब जैसा आपको पहले बताया कि नवरात्रि के 9 दिन देवी के अंदर से अलग अलग तरह की शक्तियां प्रवाहित होती हैं और इन शक्तियों को ग्रहण करने के लिए, इस ताकत को प्राप्त करने के लिए आपको कठोर साधना करनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी शक्तियां प्रवाहित होती हैं और इन दिनों में कौन सा काम जरूर करें वो आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रथम स्वरूप की बात करते हैं जिनकी पूजा आप कर चुके हैं लेकिन उनका महत्व जान लीजिए। देखिए नव दुर्गा का जब आप इनके प्रथम स्वरूप की पूजा करते हैं तो प्रथम स्वरूप से स्वास्थ्य की शक्ति प्रवाहित होती है। यानी जब आप नवरात्रि के पहले दिन पूजा करते हैं या आपने की होगी तो स्वास्थ्य की शक्ति आपको मिलेगी और प्रथम दिन माता के शैल पुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता की उपासना लाल फूलों से करनी चाहिए, चाहे वो गुड़हल का फूल हो चाहे वो गुलाब का फूल हो, लाल फूलों से देवी की उपासना करनी चाहिए और माता को गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए। शुद्ध घी अर्पित करके इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। वैसे इस बार की नवरात्रि में माता के प्रथम स्वरूप की उपासना हो चुकी है और मैं बता दूं कि नवरात्रि के प्रथम दिन जिन लोगों ने थोड़ा भी समय निकाल करके देवी की उपासना की है उन तमाम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य का वरदान अवश्य मिलेगा। माता के दूसरे स्वरूप की बात करते हैं, नवरात्रि के दूसरे दिन की बात करते हैं। माता के दूसरे स्वरूप के रूप में किसकी पूजा होगी और इस दिन कौन सी शक्ति रहती है? नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप में ज्ञान और वैराग्य की शक्ति रहती है। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप में पाई जाती है। इस दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है और माता का जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप है उसकी पूजा करने से ज्ञान का, विद्या का, तपस्या करने की ताकत का फायदा आपको होता है। तो जिन लोगों ने भी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा उपासना की है उनकी साधना को बल मिलेगा, उनकी तपस्या की, ज्ञान की शक्ति बढ़ेगी। नवरात्रि के दूसरे दिन वैसे तो माता की पूजा सफेद फूलों से करनी चाहिए। अगर आप सफेद फूलों से माता की पूजा करें तो आपका कल्याण होगा और माता ब्रह्मचारिणी को सामान्यतः शक्कर का भोग लगाना शुभ माना जाता है।
शक्कर का भोग लगा करके माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की। तीसरे दिन किस स्वरूप की उपासना होती है और नवरात्रि के तीसरे दिन कौन सी शक्ति प्रवाहित होती है? देखिए, नवरात्रि के तीसरे दिन अगर आप साधना उपासना करते हैं तो आपका साहस बढ़ता है और आपको आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस की शक्ति इस समय प्राप्त होती है। आपका साहस भी बढ़ेगा और आपका आत्मविश्वास भी जरूर बढ़ेगा अगर नवरात्रि के तीसरे दिन आप साधना करते हैं तो। नवरात्रि के तीसरे दिन माता के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इनको माता चंद्र घंटा कहते हैं। नव दुर्गा के तीसरे दिन इनकी पूजा होगी। इस दिन माता की पूजा लाल फूलों से करनी चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की जो आप पूजा करेंगे वो लाल फूलों से करेंगे और माता को अर्पित किया जाएगा दूध या दूध से बनी हुई मिठाई। माता चंद्र घंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया जाएगा। अब आपको शुरुआत में ही बताया था कि इस बार तृतीया तिथि दो दिन है, इसलिए तीसरे स्वरूप की उपासना दो दिन की जाएगी। 5 अक्टूबर को भी तीसरे स्वरूप की उपासना होगी और 6 अक्टूबर को भी मां दुर्गा का जो तीसरा स्वरूप है माता चंद्र घंटा, उनकी पूजा की जाएगी। तो नव दुर्गा के तीन स्वरूपों के बारे में हमने जाना और जो विशेष बात आपको बताई है उसका ध्यान रखिएगा कि इस बार माता के तीसरे स्वरूप की उपासना दो दिन की जाएगी। अब बात करते हैं नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की, यानी नवरात्रि के चौथे दिन जो पूजा होती है, चतुर्थी तिथि पर जो पूजा होती है। नव दुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में माता के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है और माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है हरी वस्तुओं से, हरी इलायची, हरे फल, हरी मिठाई, इनसे माता कूष्मांडा की उपासना होती है और माता कूष्मांडा को भोग लगता है मालपुए का। मालपुए का भोग माता कूष्मांडा को लगाया जाता है। तो चौथे स्वरूप के रूप में या चतुर्थी तिथि पर माता के चौथे स्वरूप की पूजा होती है माता कूष्मांडा की, और माता कूष्मांडा को अगर आप हरी चीजें, हरे फल, हरी मिठाई, हरी चुनरी ये अर्पित करके माता कूष्मांडा की पूजा करें तो आपकी बुद्धि बेहतर होगी, आपका मानसिक तनाव कम होगा और आपके मन में जो डिप्रेशन है, जो चिंताएं हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। इस बार माता के चौथे स्वरूप की उपासना 7 अक्टूबर को होगी।
7 अक्टूबर को माता के चतुर्थ स्वरूप यानी माता कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। अब बात करते हैं पंचमी तिथि की, और पंचमी तिथि पर नव दुर्गा के पांचवें स्वरूप की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से कौन सी शक्ति मिलती है और इनकी पूजा के नियम क्या हैं? देखिए, नव दुर्गा के पंचम स्वरूप से संतान संबंधी समस्याओं का समापन होता है। आपको संतान प्राप्त ना हो पा रही हो, संतान की तरफ से लगातार जीवन में दिक्कत हो, आपकी संतान जीवन में उन्नति ना कर पा रही हो, तो नव दुर्गा के पंचम स्वरूप की पूजा करिएगा। और नव दुर्गा के पंचम स्वरूप से आपकी संतान संबंधी समस्याएं दूर होंगी। नवरात्रि की पंचमी तिथि पर माता के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्तिकेय की माता हैं और उन्हें स्कंद कहा जाता है, तो स्कंद की माता होने की वजह से इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। जब आप स्कंद माता की पूजा करेंगे तो उनकी गोद में कार्तिकेय बैठे रहते हैं। स्कंद माता की पूजा से कार्तिकेय की पूजा भी हो जाती है। नव दुर्गा के पांचवें स्वरूप यानी स्कंद माता की उपासना पीले फूलों से करना चाहिए। पीले फूलों से इनकी उपासना करना अच्छा होगा। साथ ही साथ नव दुर्गा के पांचवें स्वरूप के रूप में माता को केले का भोग लगाना चाहिए। केले का भोग लगा करके नव दुर्गा के पांचवें स्वरूप की पूजा करें और संतान संबंधी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। इस बार पांचवें स्वरूप की उपासना 8 अक्टूबर को की जाएगी। अब बात करते हैं छठवीं तिथि की, षष्ठी तिथि की और छठवें स्वरूप की। नव दुर्गा की पूजा में छठवें दिन कौन सा वरदान मिलता है षष्ठी तिथि पर छठवें स्वरूप से? देखिए, नव दुर्गा के छठवें स्वरूप की अगर आप पूजा करें तो आपको शीघ्र विवाह का वरदान प्राप्त होगा। नव दुर्गा का छठवां स्वरूप है कात्यायनी स्वरूप, तो अगर आप नव दुर्गा के छठवें स्वरूप की पूजा करते हैं, माता कात्यायनी की पूजा करते हैं, खास तौर से कुमारी कन्याएं या बालिकाएं अगर माता कात्यायनी की पूजा करती हैं तो उनका विवाह शीघ्र होगा। माता कात्यायनी की पूजा नव दुर्गा के छठवें स्वरूप के रूप में की जाती है और माता की उपासना पीले फूलों से करना अच्छा रहता है। और माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए और बाद में उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। इस बार माता के छठवें स्वरूप की उपासना 9 अक्टूबर को होगी। तो मैं फिर बता दूं कि जिन बालिकाओं का, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसी बालिकाएं, ऐसी कन्याएं
9 अक्टूबर को देवी के छठे स्वरूप की पूजा करें और उनसे शीघ्र विवाह का वरदान मांगें, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं नवरात्रि के सप्तमी तिथि की और सातवें स्वरूप की। सातवें स्वरूप में किसकी उपासना होती है और क्या वरदान मिलते हैं? नव दुर्गा के सातवें स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो रोग, शोक और बाधाओं का नाश होता है, बीमारी दूर होती है, दुख दूर होता है और बाधाएं समाप्त होती हैं। इसके अलावा अगर आप नव दुर्गा के सातवें स्वरूप की पूजा करें तो आपको नकारात्मक ऊर्जा से और तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलेगा, यानी जीवन में किसी भी तरह की बाधा हो, अगर आप उस बाधा को दूर करना चाहते हैं तो नव दुर्गा के सातवें स्वरूप की पूजा करिए, बड़ी से बड़ी बाधा आपकी दूर हो जाएगी। नव दुर्गा के सातवें स्वरूप के रूप में माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। काल रात्रि माता में और माता काली में कंफ्यूज मत होइएगा, माता काल रात्रि नव दुर्गा का स्वरूप है और माता काली 10 महाविद्या का स्वरूप है, दोनों अलग अलग हैं। तो नवरात्रि में सातवें स्वरूप के रूप में माता काल रात्रि की पूजा की जाती है और इनकी उपासना की जाती है सुगंध जला करके और धूप बत्ती से, साथ ही साथ माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। माता काल रात्रि को गुड़ का भोग लगाते हैं, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। और अगर आप सातवें स्वरूप के रूप में माता काल रात्रि की पूजा करेंगे, तंत्र मंत्र, बाधाएं, नकारात्मक चीजें, दुर्घटनाएं, इन तमाम चीजों से सुरक्षित रहेंगे, आपके अंदर विशेष शक्ति अवश्य आ जाएगी। इस बार माता के सातवें स्वरूप की यानी माता काल रात्रि की उपासना 10 अक्टूबर को की जाएगी। अब बात करते हैं नव दुर्गा के आठवें स्वरूप के बारे में। देखिए, नवरात्रि में जो दो तिथियां हैं, अष्टमी और नवमी, इनको अष्टमी नवमी नहीं कहते हैं, इनको महाअष्टमी और महानवमी कहते हैं, क्योंकि इन दिनों में देवी के सबसे शक्तिशाली स्वरूप की पूजा की जाती है। तो अष्टमी तिथि पर आठवें स्वरूप की पूजा, कौन सा वरदान मिलेगा? नव दुर्गा के आठवें स्वरूप से मनचाहे विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलेगा। नव दुर्गा के आठवें स्वरूप से आपका मनचाहा विवाह होगा और वैवाहिक जीवन आपका सुखद होगा। नव दुर्गा के आठवें स्वरूप के रूप में माता के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और नव दुर्गा के आठवें स्वरूप यानी माता महागौरी की पूजा सफेद फूलों से करनी चाहिए और माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। गौरी माता की पूजा करने से शीघ्र विवाह होता है, मनचाहा विवाह होता है और योग्य से योग्य पति की प्राप्ति होती है,
तो अगर बालिकाएं या कन्याएं माता गौरी की पूजा करें तो उनका विवाह शीघ्र होगा। इस बार माता के आठवें स्वरूप की उपासना 11 अक्टूबर को की जाएगी। और जैसा पहले भी आपको बताया था कि 11 अक्टूबर को आठवें नवें दोनों स्वरूप की पूजा होगी, तो आठवें स्वरूप की पूजा सुबह होगी और नवें स्वरूप की पूजा संध्या काल में होगी। अब जानते हैं नवमी तिथि के बारे में और नव दुर्गा के नवें स्वरूप के बारे में। नव दुर्गा का जो नवा स्वरूप है वो संपूर्ण स्वरूप है, कंप्लीट स्वरूप है। इस स्वरूप से मुक्ति, मोक्ष और समस्त सिद्धियां मिल सकती हैं। नव दुर्गा के नवे स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो आपको मुक्ति, मोक्ष मिल सकता है और जीवन की तमाम सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। नव दुर्गा के नवे स्वरूप के रूप में माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। और अगर आपने नवरात्रि में एक दिन भी पूजा नहीं की है तो नवरात्रि के अंतिम दिन मां दुर्गा के नवे स्वरूप यानी माता सिद्धिदात्री की अगर आप पूजा करें तो समस्त देवियों की पूजा का फल आपको मिलेगा। नवे स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो विभिन्न रंग के फूलों से माता की पूजा करें, साथ ही साथ माता को थोड़े से काले तिल का भोग लगाएंगे। और अगर आपने अंतिम स्वरूप की पूजा कर ली माता सिद्धिदात्री की तो आपकी तमाम मुश्किलें दूर होंगी और जो शक्ति आप प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफलता के लिए, वो शक्ति आपको जरूर प्राप्त होगी। इस बार माता के नवे स्वरूप की पूजा भी 11 अक्टूबर को की जाएगी। आठवें स्वरूप की पूजा 11 अक्टूबर को दिन के समय में और नवे स्वरूप की पूजा 11 अक्टूबर को रात्रि के समय में करना उत्तम होगा। अब आपको बताते हैं कि अपनी राशि के अनुसार आप नवरात्रि में देवी को क्या अर्पित करते रहें। जितने दिन भी नवरात्रि के बचे हैं उसमें अपनी राशि के अनुसार देवी को क्या अर्पित करें ताकि देवी की विशेष कृपा आपको मिल सके। मेष राशि की बात करें तो लाल फूलों से आपको देवी की पूजा नवरात्रि में करनी चाहिए और नियमित रूप से ओम दुं दुर्गाय नमः, ओम दुं दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। वृषभ राशि, सफेद फूलों से आपको देवी की उपासना करनी है। अगर आप सफेद फूलों से देवी की पूजा करें तो आपका कल्याण होगा। और देवी का एक मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोग सुगंध से देवी की उपासना करेंगे। एक रुई में लगा करके गुलाब का इत्र या चंदन का इत्र देवी को समर्पित करेंगे
और इसके बाद ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः, इस मंत्र का पूरी नवरात्रि भर जप करिए, आपको लाभ होगा। कर्क राशि, नवरात्रि में सफेद रंग के फूलों से देवी की उपासना करिएगा। सफेद फूलों से देवी की उपासना करना अच्छा होगा और नियमित रूप से ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करिएगा, आपको लाभ होगा। सिंह राशि, आपको नवरात्रि में दोनों समय सुबह और शाम देवी की दोनों वेला आरती करनी है और ओम दुं दुर्गाय नमः, ओम दुं दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है, आपकी कामनाएं नवरात्रि में पूरी हो जाएंगी। कन्या राशि, सुगंध से देवी की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चंदन या गुलाब की सुगंध से देवी की उपासना करिएगा। ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः, इस मंत्र का पूरी नवरात्रि में जप करें, आपको लाभ होगा। तुला राशि, देवी की सफेद फूलों से आपको उपासना करना चाहिए। सफेद फूलों से देवी की उपासना करना बेहतर होगा और साथ में श्री सूक्तम, हिंदी में या संस्कृत में नियमित रूप से नवरात्रि में श्री सूक्तम का पाठ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, आप देवी की पूजा करेंगे नियमित रूप से लाल फूलों से। लाल फूलों से अगर देवी की पूजा करें तो उत्तम होगा। साथ में जितने भी दिन नवरात्रि के हैं, सुबह और शाम दोनों समय दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो नवरात्रि में आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। धनु राशि, मां दुर्गा की उपासना नवरात्रि में पीले फूलों से करिएगा। जितना संभव होगा माता को पीले फूल रोज चढ़ाइएगा और ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का पूरे नवरात्रि में जप करिएगा। मकर राशि, नवरात्रि में देवी को नियमित रूप से दो लौंग रोज अर्पित करिएगा, उनसे कृपा की प्रार्थना करिएगा और ओम क्रीं कालिकायै नमः, ओम क्रीं कालिकायै नमः, इस मंत्र का नवरात्रि में जप करिएगा। कुंभ राशि, नवरात्रि में दोनों समय कपूर जला करके माता दुर्गा की आरती करिएगा और ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करिएगा।
मीन राशि, नवरात्रि में देवी की उपासना पीले फूलों से करिएगा और ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का नियमित रूप से जप करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए नवरात्रि में आप जितनी भी साधना करेंगे, जितनी भी उपासना करेंगे, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। लेकिन याद रखिए नवरात्रि रात्रि की साधना है, इसलिए नवरात्रि में जितना भी संभव हो मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप नवरात्रि में साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। तो देवी की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।